subscribe to our channel. To get our videos, first hit the bell icon and get notified for every video. देखिए सर, ये हमारा ये स्विच लगी हुई है, कंप्रेसर वन ऊपर की तरफ ऑटो है, बीच में ऑफ रहेगा, नीचे मैनुअल लेंगे। ये एजिटेटर का मैनुअल है, ये कंप्रेसर टू का मैनुअल है ऊपर वाला, और बीच में ऑफ रहेगा। इसको ऑफ ही रखना है, इन दोनों को ऑफ ही रखना है। जब इसको हम ऑटो करेंगे ना, तो को इनको ऑफ ही रखना है। जब मैनुअल चलाएंगे तब इसको नीचे करना पड़ेगा, और जैसे हम ऑन करेंगे तो हमारा ऑन करते ही हमारा एजिटेटर चल जाता है, एजिटेटर चल जाता है। तो एजिटेटर चलेगा, फिर एक मिनट चलेगा, एक मिनट बंद रहेगा, एक मिनट चलेगा, एक मिनट बंद रहेगा। और ये हमारा जो है टाइमिंग आ रही है, 3 मिनट बाद अपना जो है कंप्रेसर ये ऑन हो जाएगा, पहला वाला नीचे वाला, उसके बाद ऑटोमेटिक ये भी 3 मिनट बाद ये भी ऑन हो जाएगा। और ये नीचे वाले सेटिंग के बटन हैं, नीचे वाले सेटिंग के बटन हैं, और ये ऊपर वाला आपका जो है ये पावर ऑफ करने के लिए है। जैसे ऑफ करेंगे तो इसमें टेम्परेचर वोल्टेज दिखाता रहेगा आपका। और ये हमारा जो ब्लू लाइट जल रही है, ये जो अपना ऊपर वाला ये बटन है ना, ये हमारा एजिटेटर के लिए है। एजिटेटर यहाँ से बंद चालू कर सकते हैं आप। और जैसे हम सेटिंग करेंगे इससे, तो सेटिंग अभी हमारा अभी काम नहीं करेगा, ये 3 मिनट बाद ही काम करेगा हमारा ये। ये हमारा चल गया पहला वाला, यह आ गया हमारा ऑन लिख के। ग्रीन लाइट भी जल गई हमारी। जैसे हम सेट बटन दबाएंगे तो यहाँ पे ब्लिंक करने लगेगी लाइट। हम इससे अप डाउन कर सकते हैं टेम्परेचर वोल्टेज, टेम्परेचर जितना चाहिए हमें। और यहाँ पे हमारा एजिटेटर का टाइम भी बढ़ा सकते हैं, जैसे कितने 10 मिनट चलाना हो, 5 मिनट चलाना हो, वो भी चला सकते हैं। यहाँ पे बंद करने का भी टाइमिंग सेट कर सकते हैं। और ये आपका ये दोनों ही चालू हो गए। ये भी चल रहा है, अपना एजिटेटर भी चल रहा है।